माननीय सदस्य, शुक्रिया सर। सर, माननीय मंत्री जी के रिप्लाई में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको बोला है कि पंजाब में नो लास्ट मिनट रिपेयर एम्बैंकमेंट का कुछ नहीं हो रहा है और हर साल पंजाब में फ्लडिंग नहीं होती है। पिछली साल 2023 में हैवी रेनफॉल हुई थी और फ्लडिंग तो 2019 में हुई थी। मैं तो इतना हैरान हूँ कि पंजाब सरकार को मालूम नहीं कि पंजाब में हो क्या रहा है। सब पिछले साल पंजाब में फ्लडिंग दो बारी हुई और 23 में से 21 जिले फ्लड हो गए। हजारों एकड़, 2 लाख हेक्टर पूरा फसल तबाह हो गई। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 60,000 से ज्यादा पशु मर गए। आपका प्रश्न क्या है? सो सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट सरकार को नहीं पता, पर क्या केंद्र सरकार को भी नहीं पता था कि पंजाब में इतनी जबरदस्त फ्लडिंग हुई है? तो जो हुई और इतनी तबाही जो पंजाब में मची है, तो इन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह जहां इन्होंने मुआवजा दिया बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन्हों मालूम नहीं था कि 23 में से 21 में पंजाब में सिवियर फ्लडिंग होके सिवियर डैमेज, सिवियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको कोई रिलीफ रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं दिया गया इस बजट में? ये प्रश्न। एक मिनट जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का जो प्रश्न था उसको हमने पंजाब सरकार को भेजा था, उनके ही जवाब के आधार पर हमने उनको लिखित जवाब दे दिया गया है। चैनल में सब जगह चल रहा है पंजाब कितना फ्लड हो गया और इधर की सरकार को पता ही नहीं। एनीवे सर, मेरा दूसरा सवाल मंत्री जी से ये है कि ड्रेनेज की सफाई के नाम में बहुत बड़ी करप्शन होती है, क्योंकि सफाई सिर्फ पेपर में होता है, ड्रेन्स में तो होता नहीं है। तो क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या कोई और तरीके से इन सफाई का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या पंचायतों के साथ कमेटी बना के? दूसरा मेरा सर इसी के साथ एडिशन ये कि हर साल घग्गर का रिवर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जबरदस्त वहां पे मार मारता है, हर साल ओवरफ्लो होके उधर पानी फ्लड कर देता है। हमारा घग्गर जो चांदपुरा से जो बंद टूटता है वो हरियाणा की जमीन में है, उतनी जमीन पंजाब सरकार ने ले ली थी, लेकिन जब ओवरफ्लो होने का टाइम आता है तो हरियाणा सरकार उधर 164 लगा के, उधर 4 जने से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, पंजाब के लोग जाके बंद को स्ट्रांग नहीं कर सकते, और पंजाब की जमीन जो नीचे है हरियाणा की ऊंची है वो बंद तोड़ के पंजाब को फ्लड कर देता है। तो क्या जहां हर साल ऐसी चीजें होती हैं, क्या ये केंद्र की सरकार जो देती है पैसे उसके साथ क्या जिस कोई मॉनिटरिंग होती है ड्रेनेज के पैसों के, एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई जवाबदेही होती है कि हर साल करप्शन होती है, फ्लड हो जाता है, बहुत पैसों का खर्चा हो जाता है, प्लीज, अफसर वगैरह पैसे बना जाते हैं, लोग तबाह होकर रह जाते हैं? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी का जो प्रश्न था, तो नाला वगैरह साफ करना वो राज्य सरकार का प्रश्न है और राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, उसके ऊपर हमारा कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। और जो धग्गर नदी के जो बात की, तटबंध की जो बात अभी इन्होंने की है, तो धग्गर स्थायी समिति ने इस नदी पर काम करने की सिफारिश की है, मामला न्यायालय के विचाराधीन है और मॉडलिंग अध्ययन पर राज्यों के अलग अलग विचार भी होते हैं। CWCPR द्वारा किए गए मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार DPR तैयार करने की भी आवश्यकता है, जो राज्य सरकार का काम है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।